नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना मोक्ष चैनल, जहां पर मैं प्रिया पांडे आप सभी का धर्म कर्म की वीडियो में एक बार फिर से स्वागत करती हूं। आज की खास वीडियो में हम बात करने वाले हैं गुरुवार के खास दिन की। हर किसी के घर में गुरुवार के दिन काफी सारी मान्यताएं होती हैं कि गुरुवार को ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि गुरुवार के दिन क्या खाना चाहिए और क्यों खाना चाहिए। दोस्तों, गुरुवार के दिन खिचड़ी और केला खाने की मनाही होती है, और अगर आप गुरुवार के दिन व्रत रखते हैं तो केले को छोड़कर बाकी फल खा सकते हैं। तो वही भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए गुरुवार के दिन खिचड़ी खाने से भी परहेज करना चाहिए। क्या है इसके पीछे का कारण, चलिए आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताते हैं। दोस्तों, गुरुवार का दिन भगवान विष्णु को समर्पित होता है। कई लोग मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए गुरुवार का व्रत भी रखते हैं, और ऐसा माना जाता है कि जिन लोगों को करियर में कोई भी बड़ी सफलता नहीं मिल पाती या फिर विवाह में बार बार बाधा आ रही है, वे गुरुवार का व्रत रख रख कर विधि विधान से भगवान विष्णु की अगर पूजा करते हैं तो उनकी जो मनोकामना है वो पूर्ण होती है। गुरुवार के दिन व्रत रखने का सबसे बड़ा नियम ये होता है कि इस दिन नमक का सेवन नहीं किया जाता है। कुछ लोग शाम के समय भगवान विष्णु को मीठे आहार का भोग लगाकर उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करके अपने व्रत का समापन कर लेते हैं। भगवान विष्णु का व्रत करने से भाग्योदय भी होता है। ऐसा माना जाता है कि अगर बहुत प्रयासों के बाद भी आपका कोई काम नहीं बन पा रहा हो तो आपको गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की आराधना जरूर करनी चाहिए। गुरुवार के दिन एक और नियम का बहुत महत्व है। इस दिन खिचड़ी और केला नहीं खाया जाता है। क्यों नहीं खाया जाता है, क्यों इसकी मनाही होती है, वो हम आपको बता दें। दोस्तों, गुरुवार के दिन आप अगर व्रत नहीं भी रखते तो भी केला नहीं खाना चाहिए, क्योंकि माना जाता है कि केले के पेड़ पर भगवान विष्णु का वास होता है। ऐसे में गुरुवार के दिन केले के पत्ते या केला तोड़ना भी शुभ नहीं होता। आप गुरुवार के दिन भगवान विष्णु को केला चढ़ा सकते हैं, लेकिन इस दिन केला खाने की मनाही होती है। गुरुवार के दिन केला खाने से आपको भगवान विष्णु की पूरी कृपा नहीं मिल पाती है, साथ ही आपसे धन की देवी माता लक्ष्मी भी नाराज हो सकती है। इससे आपको जीवन में आर्थिक तंगी का सामना भी करना पड़ सकता है। साथ ही साथ गुरुवार के दिन एक और पीली चीज खाने की मनाही होती है, वो है खिचड़ी। जी हाँ, खिचड़ी को गुरुवार के दिन खाना शुभ नहीं माना जाता। कहते हैं कि गुरुवार के दिन खिचड़ी खाने से आपके ग्रह कमजोर हो जाते हैं और आपको भाग्य का साथ नहीं मिल पाता। इसके अलावा गुरुवार के दिन खिचड़ी खाने से घर में गरीबी का वास हो सकता है, आपकी आय कम होने लगती है और खर्चे बढ़ने लग सकते हैं। अगर आप अपने घर में सुख शांति और संपन्नता देखना चाहते हैं तो गुरुवार के दिन खिचड़ी और केला खाने से परहेज करें। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आपको हमारी आज की इस खास वीडियो में गुरुवार के दिन केला और खिचड़ी खाने की मनाही क्यों होती है और क्यों नहीं खाना चाहिए, उससे जुड़ी काफ़ी खास जानकारियाँ आपको मिली होंगी। अगर हमारे द्वारा दी गई ये विशेष जानकारी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर करके ज़रूर बताइएगा, और ऐसे ही अपडेट के लिए जुड़ी रहिए हमारे साथ मोक्ष पर।